अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स का हम इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे। इससे पहले हम फॉर लूप पढ़ चुके हैं और अभी हम व्हाइल लूप को देखते हैं। बेसिकली व्हाइल और डू व्हाइल ये जो दोनों जो लूप्स हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कंडीशनल लूप्स हैं। ये इसको हम कह सकते हैं प्री कंडीशन, बल्कि इसके प्री टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। प्री टेस्ट कंडीशनल लूप इसको हम कह सकते हैं, और डू वाइल को हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट कंडीशनल लूप। इससे पहले हम फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। फॉर लूप को हम एक और नाम ही देते हैं, दैट इज काउंटर लूप। तो अब इसका क्या मतलब, प्री टेस्ट कंडीशनल लूप, पोस्ट टेस्ट, बेसिकली दोनों कौन सी हैं? कंडीशनल लूप्स हैं दोनों। कंडीशनल लूप्स का मतलब यह होता है इसमें जस्ट कंडीशन मेंशन की जाती है। बाकी फॉर लूप में आपने देखा था इसमें इनिशियलाइजेशन भी होती है, कंडीशन भी होती है, बॉडी भी होती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह भी होता है। लेकिन आमतौर पर व्हाइल में और डू व्हाइल में जस्ट कंडीशन ही दी जाती हैं। इससे ज़्यादा वैसे दी जा सकती हैं, लेकिन आमतौर पर इसको वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमें जस्ट कंडीशन पता हो, बाकी चीज़ें ना पता हो। मतलब इनिशियलाइजेशन भी नहीं पता होती, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं पता होता, सिर्फ क्या पता होता है, जस्ट कंडीशन होती है और बॉडी होती है जस्ट। व्हाइल में और डू व्हाइल में क्या होता है, जस्ट कंडीशन होती है और बॉडी होती है। ये दोनों चीज़ें भी हम दे सकते हैं, इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसको इन दोनों को नहीं दिया जाता। अगर ये इनिशियलाइजेशन पता हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता हो, तो फिर हम व्हाइल डू व्हाइल की बजाय हम सिर्फ फॉर लूप यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे जस्ट कंडीशन पता हो और बॉडी पता हो, वहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं व्हाइल और डू व्हाइल। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कंडीशन और काउंटर लूप में। अब ये प्री टेस्ट क्या चीज़ है और पोस्ट टेस्ट क्या चीज़ है। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद। अब व्हाइल में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन देन बॉडी, और डू व्हाइल में क्या होता है, फर्स्ट बॉडी देन कंडीशन। ये डिफरेंस है दोनों में बेसिकली। इसको प्री का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब टेस्ट, टेस्ट मतलब कंडीशन, मतलब कंडीशन इसमें पहले आती है वाइल में, और इसमें पोस्ट का मतलब बाद, पोस्ट टेस्ट मतलब कंडीशन, मतलब इसमें कंडीशन बाद में आती है। तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी हम इसको वाइल लूप की हम एग्जांपल देखते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें फिलहाल मैंने आपको जो बताया जी, इसमें सिर्फ कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है और बॉडी होती है जस्ट। आप देख सकते हैं वाइल के अंदर हमने जस्ट यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, बाकी इसमें इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इनिशियलाइजेशन वाले हिस्से को हम ले गए ऊपर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम यहाँ पे ले गए। तो अभी तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वाइल लूप कैसे लगानी है। बाकी हम इसका एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि उसमें कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होती और उसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल अगर आप इसकी लॉजिक समझने की कोशिश करें, तो हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने फर्स्ट एक वैल्यू असाइन की 1, उसके बाद हमने उसको एक कंडीशन दी कि जब तक आएगी वैल्यू 10 से लेस है या उसके इक्वल है, तब तक ये इसकी बॉडी में जो कुछ भी है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, इसकी बॉडी में जो कुछ भी है उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करो। तो हर आइट्रेशन में, फॉर एग्जांपल जब ये आई की वैल्यू 1 होगी तो इसको चेक करेगा आई इज़ लेस देन 10, तो ये ट्रू रहेगा। तो उसके बाद इस बॉडी को चलाएगा, बॉडी में ये वाली स्टेटमेंट भी शामिल है, यानी कि आई की वैल्यू को वो इंक्रीमेंट कर रहा है। यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, जब 1 थी तो क्या हो जाएगी, 2। यहाँ से कंट्रोल वापस कंडीशन पर जाएगा और फिर 2 को चेक किया जाएगा, क्या वो 10 से कम है, येस इट इज़ लेस देन 10, तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा। 2+1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद यहाँ से फिर कंट्रोल जाएगा कंडीशन पे, ये रिपीटेडली ऐसे कंट्रोल रिपीट होगा। तो ये फाइनली ये 10 टाइम्स चलेगा, जब आई की वैल्यू 11 होगी तो 11 पे जाकर ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ये इस लूप को कर देगा ब्रेक और उसके बाद नीचे आ जाएगा। इसको हम चलाते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो आपने देखा ये पाकिस्तान जो है उसने 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल सिंपली ये चीज़ यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से भेजा है यहाँ पे आ जाती है और इसके आखिर में लगा देते हैं सेमी कोलन, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डू आ जाता है। ये डिफरेंस है इन दोनों का। बाकी डिफरेंस मैंने आपको बताया सिंपल, कि वाइल में कंडीशन पहले, बॉडी बाद में। डू वाइल में क्या है, पहले बॉडी बाद में कंडीशन। ये आपके सामने ही है, अब पहले बॉडी आ गई है और बाद में क्या आ गई, कंडीशन आ गई है। ये डिफरेंस है।
तो ये तो हो गया इनके सिंटैक्स का डिफरेंस। अभी इसको हम चलाते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, आउटपुट सेम आ रहा है। तो ये तो इनका सिंटैक्स का डिफरेंट है। वाइल में क्या होती है, कंडीशन ऊपर होती है, डू वाइल में कंडीशन नीचे होती है। लॉजिक का क्या फ़र्क है? लॉजिक का फ़र्क ये है, अब देखें आप, मैं दोबारा इसको उधर उसी हालत में लेके जाता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने कंडीशन कोई ऐसी लगाई, फॉर एग्जांपल कंडीशन क्या थी, आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, 220 थी, ओके। अब 20 पे जब ये कंडीशन को फर्स्ट टाइम चेक करेगा, 20 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, ना तो वो इससे लेस है ना उसके इक्वल है, फॉल्स कंडीशन, फॉल्स फर्स्ट टाइम आई, फर्स्ट कंडीशन ही उसकी क्या होगी, फॉल्स। तो बॉडी एक बार भी नहीं चलेगी, करेक्ट। कंपाइल एंड रन करें, पाकिस्तान एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर यही कंडीशन हम उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, डू वाइल चल, अब डू वाइल हम लूप यूज़ कर रहे हैं, अब क्या होगा, वही कंडीशन है, कंडीशन अब भी फॉल्स है, फर्स्ट टाइम फॉल्स हो रही है, लेकिन आउटपुट देखें ज़रा, आउटपुट में एक दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो गया, मतलब इसमें बॉडी पहले चल जाती है। डू वाइल में क्या होता है, बॉडी पहले चल जाती है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है। तो इसमें मतलब बॉडी कम से कम एक बार तो लाजमी चल जाती है डू वाइल के अंदर, चाहे कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाए, चाहे कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाए, बॉडी कम से कम एक बार उससे पहले चल जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल का। बाकी इसके हम कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें आपको मज़ीद इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा।